आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एस के आर्ट एंड पेंटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक नए ट्रिक के साथ आ गए हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप अपने आर्ट में अलग अलग जगह पे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आपको देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वो ट्रिक जो हम लेकर आए हैं। वेलकम सपना जी। तो जो हम आज जो आर्ट ट्रिक जो लेकर हम आए हुए हैं वो बिल्कुल आपके लिए आसान भी है और उसको हर जगह आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ये फायदेमंद होगा इन फ्यूचर में अगर आप अपना वर्क अगर करते हैं तो। ठीक है, तो हम जो न्यू ट्रिक करने वाले हैं, ये मेरे पास एक मिरर है, लुकिंग ये मिरर, ट्रांसपेरेंट मिरर है। ठीक है, इसके ऊपर हम करके हम आपको दिखाएंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ट्रिक आप जो भी करेंगे उसका जो सरफेस होगा वो चिकना होगा, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो प्लाई हो, चाहे ये मिरर हो। ओके, उसका सरफेस वो चिकना होगा चाहे वो बोतल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम ये एक्रिलिक पेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्रिलिक पेंट भी चलेगा, बिरला पुट्टी भी चलेगा, सीमेंट वाइट भी चलेगा। ठीक है, ये सब का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, और हम आप लोग के लिए ऐसे ही आसान ट्रिक लेकर आते हैं कि आपको इन फ्यूचर में हमारे ट्रिक से अगर कुछ अगर आपको फायदा हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हम जो ट्रिक लेकर आए हैं वो हम इसकी शुरुआत हम करते हैं फिर। ठीक है, वेलकम गिन्नी जी। वेलकम मीनू। ये मैंने इसके ऊपर मैंने पहले टेप चिपका दिया है। हमारी कोशिश होती है कि आप लोग के लिए वो नए नए जो आर्ट का जो ट्रिक है वो हम लेकर आएँ। बस आजकल हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा रोज़ आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसी बीच मैंने आज आपके लिए टाइम निकाला है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास फेविक्रिल का एक्रिलिक पेंट है। एक्रिलिक पेंट कोई भी चलेगा, याद कर ले, कोई भी चलेगा। वेलकम निवेदिका जी। ठीक है, ये है, और इसमें आप ये पाउडर के तौर पे मार्बल पाउडर और ये मेरे पास एक है फ्रेंच पाउडर भी है। ठीक है, जो भी मैंने मार्केट से लेकर आया है ये फ्रेंच पाउडर है। अभी हम पंखा को थोड़ा सा बंद करेंगे। ये जो है फ्रेंच पाउडर है ये बिल्कुल पाउडर की तरह होता है। ये जो हम लोग जो नेसिल ये पाउडर इस्तेमाल हम करते हैं एकदम वैसा ही आता है ये। ठीक है, तो ये जो हम ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं आप ये किसी भी पाउडर से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज वो वाला पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं जो जल्दी सूख जाए। ठीक है, वो क्योंकि हमको इसका लास्ट इफेक्ट आपको दिखाना है, तो हम इसमें जो है ये मार्बल पाउडर वाला, ठीक है, और ये एक्रिलिक पेंट वाला हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, जो नए आए हैं उनका वेलकम है। ये देखिए, मैं ये एक्रिलिक पेंट ही डाल रहा हूं। ओके, इसको अभी हम ये मिक्स करेंगे। ठीक है, वेलकम आरती। और आज मैंने
एक नया मिरर का मैंने ड्राइंग मैंने तैयार किया है जो बिल्कुल अलग है, उसको उसका मैं क्लास से मैं लेकर आया हूँ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, वेलकम बबीता जी, वेलकम पूजा सर। पे कौन सा है ये? आपको बताना चाहेंगे इस ट्रिक के लिए जो सरफेस है वो चिकना होगा और प्लेन होगा, रुखड़ा नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो आपका प्लाईबोर्ड हो, सनमाइका हो, मिरर हो, दीवार हो, ठीक है, वो सरफेस बिल्कुल चिकना होगा। इसमें थोड़ा सा और ये मोटा आएगा। ठीक है, ये मिरर पे हम इसलिए करके आपको बता रहे हैं कि कलों के अगर ग्लास के ऊपर अगर वर्क अगर आप करते हैं या बोतल आर्ट के ऊपर, तो ये टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान ट्रिक है और आपको अच्छा लगेगा। पहले जो भी मटेरियल आप बनाएंगे बिल्कुल ये चिकना हो, वो होना चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वेलकम मिनिता। ओके, इस पर थोड़ा सा गिर गया था, तो एक बार और हम आपको रिपीट हम कर देते हैं। ये जो ट्रिक हम लेकर आए हैं उसका बेस जो होगा वो चिकना होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, रफ नहीं होगा। ओके, उसके ऊपर आप एक्रिलिक पेंट मार्बल को मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं, बिरला पुट्टी, सीमेंट वाइट, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप POP भी दीवार पर आप कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे कि जो इसके ऊपर हम जो लेयर हम लगाएंगे वो मोटा होगा। तो अब हम इसके ऊपर शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर ये मटेरियल मैंने ये चढ़ा दिया है, ये देखिए। स्पैचुला से इसको हम, ठीक है, ये आपको जो मटेरियल इसके ऊपर आप चढ़ाएंगे याद रहे वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक ये मोटा के ऊपर ही अच्छा आएगा। यानी ये जो आप लगाएंगे इसकी थिकनेस है ना वो मोटा होना चाहिए। वेलकम भारती जी। इसमें जो बना है वो सबको ही हम वो कर देते हैं। ये आपको थोड़ा सा ये मोटा लेके चलना है। ठीक है, ये है, ये मोटा लेके आप इस पे चलेंगे। हम आपके लिए ऐसे ही कुछ नए नए जो ट्रिक है आर्ट का लेकर आते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने आर्ट में वेरिएशन लाएं, वो क्योंकि ऑयल पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग ये सब तो लोग लेकर आते ही रहते हैं। हम चाहते हैं आपके लिए नए नए ट्रिक लेकर आए, तो हम आपके लिए ये देखिए, ये हमारा ये
बेस लगभग में ये मोटाई वाला हमारा ये हो गया है, ठीक है। अब ये हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा इफेक्ट दे अलग टाइप का, तो भी आप ये दे सकते हैं। आपको शायद आप दिखे शायद, है ना, ये हल्के हल्के इसके बाद जो होगा ना मजेदार होगा। तो हमने अभी इस पे किया है क्या कि आधा पे मैंने लाइनिंग किया है। हम चाहते हैं कि आपको दो इफेक्ट हम करके दिखाएं, ठीक है, दो इफेक्ट आपको कर दिखाएं, आपको आइडिया फिर ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको सूखने देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा का मतलब 5 मिनट, ठीक है। पंखा को थोड़ा सा हम तेज कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको 5 मिनट हम सूखने देते हैं, यहीं पे आपके सामने ही रहेगा ये, ठीक है। और ये नाइफ को भी हम धो देते हैं, ये स्पैचुला को, और वो तब तक हम आपसे 5 मिनट थोड़ी सी गुफ्तगु हम कर लेते हैं, ठीक है ना। वेलकम नेहा जी, ये देखिए हम आज आपके लिए एक नए ड्राइंग लेकर आए हैं, जो ये मैंने मिरर के लिए बनाया है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मैंने ड्राइंग बनाया है, ये इसका मैंने कॉपीराइट के लिए मैंने दे दिया है, इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग गया है। इसलिए कॉपीराइट के लिए मैंने दिया है कि कोई हमारी ड्राइंग की नकल नहीं करेगा, और इन फ्यूचर में भी हम ऐसा ही करते रहेंगे, अपनी ड्राइंग को मैं कॉपीराइट में करवाते रहूँगा, क्योंकि लोगों ने खूब जाके कॉपी किया है अपने नाम से कि मेरा है मेरा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पुराने वाले जो एक ये जो पुराने वाले ये जो ड्राइंग है आप देख रहे हैं, है ना, इसमें हल्का काम है, बिल्कुल ही हल्का काम है। आप देखेंगे इसमें ये हल्का काम है, ये बिल्कुल हल्का, इसमें ज़्यादा काम नहीं है। और अभी मैंने जो बनाया है उसमें बहुत ही ज़्यादा काम है, ठीक है, ये है। और हमारी कुछ ऐसी पेंटिंग होती है रिलीफ में, ये जिसको कॉपी करने के लिए आदमी को वो चाहिए। आप ये देखेंगे कि मैंने इसमें जो मैंने कुछ काम किया है, आप ये देखेंगे इसके जो फूल है ये इस टेक्निक से नहीं बना है। इस टेक्निक से जो लोग जो कोनिंग करके करते हैं उस टेक्निक से इसमें जो भी फ्लावर है वो इसमें बना हुआ नहीं है। और इसको आम जो रिलीफ करने वाले लोग हैं इसका ये कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसकी फ्लावर, ये देखिए, ओके। तो हमने जो भी बनाया है आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए हमने इसमें काफी वो करके बनाया है, आप देख सकते हैं इसमें हमने काफी मेहनत किया है, इसके अंदर बारीकियां आप देखिए, इसमें बारीकियां आप देखिए, ये देखिए, इसके अंदर का भी सीन आप देख सकते हैं अंदर का, है ना, ये मैंने अलग बनाया है ये। और आने वाले टाइम में आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे जो ड्राइंग है मैं लेकर आते रहूंगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है, तब तक ये हमारी पेंटिंग अभी सूख रही है तब तक आप इसको देख सकते हैं, इसमें डिटेलिंग आप देखिए, और इसकी शेप
ये देखिए, ये बनने के बाद इतनी सुंदर लगेगा, बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लगेगा, बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर में मैंने काफी बारीकी से मैंने इसको मैंने किया है। इसी को बनाने में टाइम लग गया, और बाकी इसको आगे हम भेजे थे कॉपीराइट के लिए, तो उसमें वो टाइम लग गया थोड़ा सा। तो आप ये देखेंगे कि ये मिरर के लिए मैंने ड्राइंग मैंने तैयार कर दिया है, और इसके लिए अब हम क्लासेस लेना शुरू कर रहे हैं। अगर आप पेंटिंग ये सीखना चाहते हैं मिरर के ऊपर, इसकी साइज है 24 इंच बाई 30 इंच का है, ठीक है, ये मिरर के ऊपर बनेगा। चौबीस इंच बाई 30 इंच में ये बनेगा, ये देखिए। वो लोगों की मांग थी कि सर वो रिलीफ पेंटिंग में ऐसा कुछ लाइए, है ना, तो हम यही चाहते हैं कि आपके लिए नया वर्क लेकर आए, ठीक है। ये नया ये ड्राइंग है, और ये हम आपके साथ में इसको शेयर करना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको अभी आपको लाइव पे ही आपको लिंक इसका मिल जाएगा। इसकी ज़्यादा भी फीस मैंने नहीं रखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ओनली 3,000 रुपये। लॉकडाउन को देखते हुए इसकी फीस मैंने 3,000 रुपया ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। आर्ट को अगर वो देखा जाए तो वैसे वो ज़्यादा हो जाएगा वो, लेकिन मैंने इसका 3,000 रुपया ही फीस रखा है। और बाकी जो इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप हमारा जो ग्रुप है ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको अच्छी से अच्छी आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसमें हम एक चीज़ और आपको हम बात आपको बताना चाहेंगे, बहुत से लोग आपको मिरर के बारे में आपको बताए होंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो है ना मिरर की जो पकड़ है जो मटेरियल से, वो टेक्निक अब तक किसी को पता नहीं है, वो हम आपको बताएंगे कि अगर मिरर के ऊपर हम वो चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ अगर मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, वो टेक्निक हम आपको बताएंगे जो और वो मजबूती से पकड़े रहेगा, और वो आपके लिए फायदेमंद होगा और अच्छा रहेगा। आप हमसे जुड़ते हैं तो इस पेंटिंग से रिलेटिव जो भी बातें होगी, इम्बोज कितना होगा, कौन सा पार्ट कैसे होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। और इसीलिए हमने एक आध आर्टिस्ट से भी मैंने बात किया था कि इसके फीस को लेकर, तो उन्होंने बताया कि अभी लॉकडाउन चल रहा है कि फीस सर आप ज़्यादा मत रखिए, तो मैंने 3,000 रुपये ही रखा है, ठीक है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, आज से हम इसको चालू कर रहे हैं, आप चाहे तो ज्वाइन करके इसकी जो भी क्लासेज है वो आप ले सकते हैं। अब बुद्धा की जो हमारी क्लासेज है 15 तारीख के आसपास हम शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट के पास मटेरियल भेजा जा चुका है, और इस 15 से उनकी बुद्धा म्यूरल वाली जो है क्लासेज हम उनको सिखाना शुरू करेंगे। और ये है, एक बार और हम आपको दिखा देते हैं कि हमने बनाया कैसा है ना, उसको काफ़ी मैंने बारीकियाँ किया है, उसको बनाने में वो काफ़ी टाइम लग गया था। और मेन चीज़ होता है ड्राइंग ही, अगर ड्राइंग आपका परफेक्ट हुआ ना तो आपका फिर मज़ा आ जाएगा। वेलकम हर्षा जी, तो आप देखेंगे ये, एक बार और हम आपको खाना खाते हैं, ये देखिए। ये है, एक बार हम आपको नीचे से आपको दिखाते हैं, ये देखिए इतनी डिटेल से है, ठीक है। इसमें फ्लावर भी अलग बने हुए हैं, हर चीज अलग है, और हम चाहते हैं कि आपके लिए नए नए जो ड्राइंग है हम आपके लिए वो लेकर आते रहें, है ना, तो वो आपके लिए फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको नए ड्राइंग पे काम करने का मौका आपको मिलेगा। वेलकम पम्मा जी, तो ये हमारा ये सरफेस लगभग में सूख चुका है, अब हम इस पे हम शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार हम उनको बताना चाहेंगे जो नए आए हैं, ये हमारा एक आर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोतल आर्ट में, दीवार पे,
आप सनमाइका पे, मिरर पे, कहीं पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मैं इसीलिए ऐसे ट्रिक लेकर आता हूँ कि उस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके कहीं भी आप पेंटिंग में एक अनोखा, एक इनोवेटिव चीज़ आपको दे सकते हैं। तो हम ऐसे ट्रिक लेकर आते हैं। तो ये ट्रिक के लिए आपका जो सरफेस है बिल्कुल वो चिकना होना चाहिए। वेलकम मोना जी, बिल्कुल ये चिकना होना चाहिए, रफ़ नहीं होना चाहिए। रफ़ होने से होता क्या है कि ये जिस ट्रिक को हम काम कर रहे हैं वो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा, वो चिकना होना ही चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इसमें एक्रिलिक पेंट है, एक्रिलिक पेंट किसी भी कंपनी का चलेगा, ठीक है। तो हमने इसमें जल्दी सुखाने के लिए, वो क्योंकि हमको फाइनल करके दिखाना है, तो जल्दी के लिए हमने एक्रिलिक पेंट में मार्बल पाउडर डाल के मैंने ये इफेक्ट दिया है। ओके, तो ये इफेक्ट कुछ भी नहीं है, आपको बताना चाहेंगे, ये तो वैसे ही है, मैंने एक वैसे ही दिया है, और ये कि ये हल्का हल्का मैंने लाइन को दिया है। आप ये चीज़ का काम आप पीओपी में भी कर सकते हैं, बिरला पुट्टी, सीमेंट वाइट और एक्रिलिक पेंट में अगर आप फ्रेंच पाउडर भी डालते हैं वो भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसकी मजबूती कितनी होती है, ठीक है। अब वो भी मजबूती आपको ध्यान ये देना है कि वो मजबूती अगर मान लीजिए कि पीओपी का काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसको आपने प्लाई के ऊपर चढ़ा दिया तो उसके ऊपर टिकेगा नहीं, है ना। पीओपी दीवार के ऊपर ही बेटर होता है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है, तो इसके लिए हम ये सबसे पहले मास्क पहनते हैं क्योंकि हमको एक इस पे पेंट का इस्तेमाल करना है, स्प्रे पेंट का, ठीक है, वो नाक में ना जाए, है ना। और पंखा को भी हम बंद करेंगे। ये मेरे पास है गोल्ड कलर है, ठीक है, गोल्ड कलर है, और ये गोल्ड इसमें हर एक कलर आता है, हर टाइप का आता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है कि मैंने इसको शुरू में ही क्यों नहीं किया। तो ये जो मैंने भी किया है बेस इसका, तो ऊपर से जो सरफेस है थोड़ा सा सूख जाना चाहिए, अगर ये गीला रहेगा उसी टाइम तो ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको सूखने के लिए 5-10 मिनट हमने इंतज़ार किया है कि ये थोड़ा का ऊपर का जो सरफेस है वो सूख जाए, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर ये अभी करने वाले हैं, ठीक है। इसको वो चलाने से पहले इसको 30 सेकंड, 1 मिनट इसको हिलाना पड़ता है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। आप हार्डवेयर के शॉप में जाएंगे, पेंट के दुकान में, उसको बोलेंगे कि हमको फ्रेंच टॉप पाउडर चाहिए तो दे देगा, ठीक है। वेलकम बाबा जी। तो ये हमारा हो गया है। इसको स्प्रे करने के लिए आपको बताना चाहेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी से करना होता है। तो हम इसको थोड़ा सा अपने इस टूल को देखते हुए, बचाते हुए थोड़ा सा, है ना, ये आसपास तो रख लेते हैं पेपर को। एक मिनट, एक वो लाइए जो ट्रांसपेरेंट पन्नी है वो लाइए, इसको ढकना होगा इनको, नहीं तो ये जो कैमरा है ना उसको खाली। हम आपको थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, ठीक है, ये ऐसे इसके ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। ओके,
बताइए बताइए और कंफर्म कीजिए। आप देखेंगे कि मैंने स्प्रे मैंने कर दिया है, ठीक है, ठीक है ना, पंखा और तेज कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो मेन आने वाला है वही चीज है कलाकारी, ठीक है। मेन जो है इसके बाद जो आएगा वही कलाकारी है। तो अभी इसको थोड़ा सा 5-7 मिनट हम और इंतजार करते हैं, ठीक है ना, और हम इसका जो रिजल्ट है वो करके हम आपको दिखाएंगे। और आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में, हम आपको कुछ ही डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। आपको शायद पता नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसके अंदर में गोल्ड कलर भी आता है और भी कलर्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ये कैमरा पैर से लग जा रहा है। तो इसमें बहुत से कलर आते हैं जो इसको गैस के जरिए इसको भरा जाता है, ठीक है। अगर इसको आपने अगर पेंचर कर दिया तो वो कलर बेकार हो जाएगा, ओके। तो कभी भी आप इन फ्यूचर में आप देखेंगे कि इसके अंदर में होल करके देखें कि क्या है, तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां गैस निकला वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो इस पेंट में एक खास बात है ये कि अगर आप इसको पेंट पे अगर अप्लाई करते हैं इसको कहीं पे, तो आपको इसको थिनर और टारपीन तेल से बचा कर रखना है उस सरफेस से, क्योंकि ये दोनों मीडियम में काम करता है। अगर आपने इसको कहीं पर लगा दिया है और वो टारपीन तेल या मिट्टी तेल से अगर हल्का सा भी उसको टच करेंगे तो ये पेंट थोड़ा सा निकल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप अपने आर्ट में ध्यान आप देंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी। तो और ये है गोल्ड कलर है और इसकी कोई ब्रांड नहीं होती है। आप बताना चाहेंगे ऐसे जो भी केन में पेंट आते हैं इसके कोई ब्रांड नहीं है। ये हजारों कंपनियां हैं जो बाहर की है और इंडिया में ये बेचती है, लेकिन वो सबका माल अच्छा होता है, वो सबका माल अच्छा होता है, अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो आप ये बिना डाउट कि आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पक्का काम करता है। एक बार जहाँ पर वो चिपक गया काम, तो काफ़ी देर तक वो अच्छा वर्क करते रहता है। तो ये इसको आप वो कर सकते हैं। तो ये है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा आप देखिए। ये मोटरसाइकिल की पहिया हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया ना। तो आप अपनी बुद्धि से इसको पेंटिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पेंटिंग के ऊपर भी अप्लाई आप कर सकते हैं। और साइड स्लेस करिए, कमेंट क्लियर हो जाएगा। ये भी हुआ है थोड़ा सा, ये भी अभी सूखेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सूखेगा। और आप अगर मिरर आर्ट अगर सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको ड्राइंग मैंने अभी आपको दिखाई दिया है, ठीक है ना। आपको अच्छे तरीके से हम आपको टीच करेंगे, ठीक है। और आपको हमारे पास अच्छे आर्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है ईमानदारी से काम करने से आदमी लंबा तक चलता है, बेईमानी से काम करने से वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। उसका फल वो तुरंत मिल जाता है। तुरंत क्या मिलता है, ज़रूर मिलता है। इसलिए हमको किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, अपना वर्क करना है, ईमानदारी से करना है। जो हम आपसे फीस लेंगे वो हम आपको वो आर्ट हम आपको सिखा के रहेंगे। अप्लाई किया है, हाँ स्प्रे, हाँ वो नेक्स्ट हमारा जो क्लासेज है वो मिरर आर्ट का है, ठीक है। वो हम आपको सिखाएंगे। जो हमसे सीखेंगे उनको जो ड्राइंग भी हम देंगे, ठीक है, उसी पैसे में। अगर वो चाहे वो पीडीएफ में ले ले या अगर वो प्रिंट आउट वो लेते हैं तो उनको प्रिंट आउट भी अब 100 में उनको हम दे देंगे। 100 रुपये में प्रिंट आउट उनको हम दे देंगे, क्योंकि इसी रेट में आया है
हम इसी रेट में आपको दे देंगे, वो क्योंकि मुझे आप लोग से मटेरियल से एक रुपये नहीं कमाना है, जो हमारा फीस है वही लेकर हम खुश हो जाएंगे। वेलकम पूनम जी। तो ये अभी थोड़ा सा ये गीला है, और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, ये जितने भी जो मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं पीओपी का चाहे और, आपको ये ध्यान वो देना है कि कितने देर में सूख जाता है, ओके, उसी बीच आपको काम करना है। ये जो हम जो काम करेंगे सूखने से पहले ही काम करना है, क्योंकि सूख जाएगा तो ये आर्ट वर्क आप नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए आपको सूखने से पहले ही। वेलकम राजन जी, हाउ आर यू मेरे दोस्त। ये हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे कलाकार हैं, हम लोग ये कई सालों से हम लोगों ने काम किया है साथ में, अच्छे इंसान हैं। राजन शर्मा नहीं, राजन कुमार, ये देखिए आप, ये हमारा ड्राइंग है। एक मिनट, तब तक थोड़ा सा ये सूख रहा है, हम आपको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये हमारा ड्राइंग है, आप देखेंगे कि ये मैंने बनाया है कितनी डिटेल से है, ये देखिए। और आपको बताना चाहेंगे कि मैंने इसके ऊपर फाइनली मैंने बनाया था, ये एक्रेलिक पेपर है, आप देख सकते हैं, आर्टिस्ट लोग इसी का ही इस्तेमाल करते हैं ट्रेस पेपर का, ठीक है ना। इससे फिर मैंने ये निकलवाया प्रिंट, ठीक है ना। ये देखिए, ये बनने के बाद इतनी सुंदर लगेगा, बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लगेगा। ये इसकी बीच का भी आप शेप आप देख सकते हैं, ये कितना अच्छा है। ये देखिए, ऐसे यूं आया, ऐसे स्पेस यानी काफ़ी है वो देखने के लिए, स्पेस ये काफ़ी अच्छा है ये। तो ये सब है, ओके। अब ये देखिए, अब हम इसके ऊपर हम करने वाले हैं क्या, ये देखिए, मैंने ये कटर ब्लेड लिया है, ठीक है। जो भी अब आपको ड्राइंग ये निकालना है, इसके बाद भी और हम आपको बताने वाले हैं। अब ये गीला ही है, वो गीला ही है वो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं पंगा वैसे मैं लूंगा, ठीक है। ये गीला ही है लेकिन आप अपने हिसाब से जो आपको ये बेटर लगे। अब ये थोड़ा सा ये गीला है तो ये ब्लेड को भी ये पकड़ रहा है, ठीक है ना। ये टेक्निक आप अपने अनुसार ये कहीं भी इस्तेमाल इसका आप कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं आपके लिए अलग अलग टाइप का मैं टेक्निक लेकर आता हूँ, और इन फ्यूचर भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ऐसे टेक्निक, आपको भी अच्छा लगेगा। अब ये थोड़ा अच्छी तरह से अगर सूख गया होता ना, तो और इसकी कटिंग है ना वो अच्छे ढंग से होता है। अब ये हल्का सा ब्लेड को रोक दे रहा है वो, लेकिन दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं इसको काटूंगा ही।
ये और ये सूखा हुआ होता तो ये और वर्क अच्छा ये करता। ये थोड़ा सा ये गीला है अभी अंदर से, तो इसको जो कटिंग वाली बात है ना, तो आधा घंटे के बाद इसको करते तो ये ज़्यादा अच्छा होता वो। लेकिन हमें आपको दिखाना है इसका इफ़ेक्ट, तो हम आपको अभी इसी में ही टाइम लगेगा। ये आधा घंटे के बाद ये होता ना, तो ये आसानी से ये निकल जाता। याद रहे ये जो इसकी जो कटिंग है ना, बिल्कुल ये शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प। वो होगा कब, जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, तो जैसे ही इसके ऊपर ब्लेड आप चलाएंगे तो ये शार्प ही आएगा। इस टेक्निक से आप वैसे क्या क्या वर्क आप कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये सूखने के बाद हल्का सा अच्छा से कटिंग होता है। अभी ये ना कि ऊपर का तो थोड़ा सा ये सूख गया है, अंदर का ये सूखा नहीं है, तो वही ये ब्लेड में थोड़ा सा ये फंस जा रहा है। जो मटेरियल आप लगाएंगे, बिरला व्हाइट सीमेंट, पुट्टी, जो भी आप लगाएंगे, तो ध्यान ये देना है कि उसका अप्लाई आप वैसे कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे वो पकड़ बनाए रखे, ठीक है ना। अब ये पीओपी को अगर प्लाई के ऊपर अगर आप लगा देंगे निकल जाएगा वो, बिरला पुट्टी को शीशा पे लगा देंगे तो निकल जाएगा वो, एक ही झटके में बाहर आ जाएगा वो। लेकिन एक्रिलिक वाला है जो मटेरियल है वो जल्दी निकलता नहीं है, वो निकलेगा नहीं। ये लॉकडाउन को देखते हुए हमने जो मिरर का है ना फीस, मैंने बिल्कुल ही रिजनेबल रखा है, कम रखा है। उस पर काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप खुद उसको करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और एक आर्ट भी आपके लिए ये मिल जाएगा।
इसकी जो बेस है आप जितना मोटा रखेंगे ना उतना ही वो अच्छा रहेगा आपको ये आर्ट दिखाने के लिए। अगर ये आर्ट कहीं पे करेंगे तो लोगों को ये नया भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और आपकी तारीफ तो होगी होगी। अभी ये थोड़ा सा आधा घंटे के बाद इसकी हम कटिंग करते ना तो जो यहाँ पे जो नीचे मटेरियल ये फंस जा रहा है वो लगभग मैं आसानी से ऊपर आ जाता, आसानी से आ जाता। वीडियो को लाइक आप लोग करेंगे, लाइक शेयर कर पूरा सूखना मार्बल पाउडर का बेस कैसे रहेगा। ज़्यादा ना सूखा हो, आधा सूखा हो तो इसकी कटिंग आप कर सकते हैं वो क्योंकि जब ये सूख जाएगा तो फिर इसको कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ये कोशिश कीजिएगा कि आधा ये जब सूखा हो तो ही इसकी कटिंग करें। तो आसानी से ये निकल जाएगा। इसका आगे हम आपको आपको बताने वाले हैं कि इसका इफेक्ट आगे जाके ये कैसा आएगा। ग्लास पेंट लाइए। ये गीला है इसलिए इसको कटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये आधा सूखने के बाद फटाफट ही कटता है क्योंकि हमने इस पर वर्क मैंने किया है। और मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ जिसको मैंने किया है जीवन में, ठीक है। इसीलिए मैं इतने इतने सारे मटेरियल के बारे में आपको हम बता देते हैं कि यहाँ यहाँ आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ग्लास का किस चीज़ का टेक्सचर बनाया है। ग्लास के ऊपर मैंने आपको बोल रहे हैं कि प्लास्टिक पेंट या एक्रिलिक पेंट, उसके साथ हमने मार्बल पाउडर मिक्स करके बनाया है। मार्बल पाउडर नहीं है तो आप ये फ्रेंच पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंच पाउडर ये आपको किसी भी पेंट के दुकान में मिल जाएगा। जो नए आए हैं इस वीडियो को कृपया करके रिवाइंड करके बाद में वो देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसकी जो ब्यूटी होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो ब्यूटी होती है। ये जो हम ये व्हाइट दिख रहा है ना, व्हाइट ये वाला ये साइड से ये वाइट, इसकी ब्यूटी यही होती है। ये जब कहीं पे ये लगा हो या आपने वर्क किया है तो ये इसकी वाइटनेस है ना, यही इसकी ब्यूटी है, यही ये बताता है ये इतना इम्बोज है, उठा हुआ है, ओके। अब इसमें अब बात आता है क्या कि आप इसमें अगर ग्लास पेंट का इस्तेमाल करते हैं, आप पीछे से अगर लाइट आती है तो वो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज बन जाएगा। ये हम आपको छोटे छोटे जो है ट्रिक है वो बता रहे हैं कि आप अपने आर्ट को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे ऐसे ट्रिक आपके सामने हम लेकर आते हैं।
इसकी जो है साइड वाली ही कटिंग है ना, वो गीला होने की वजह से ठीक से हमारा ये कटिंग हुआ नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो ग्लास पेंट हमने जो डाल दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब पीछे से अगर हम लाइट देते हैं, अगर ये बोतल है या और कोई लैंप है ना, उसके पीछे में अगर आप लाइट देते हैं तो ये कि एक अलग ही इफेक्ट ही आएगा। याद रहे कि ये वाइट का नुकसान नहीं होना चाहिए, वाइट का नुकसान ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको लाइट भी जला के आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम मोबाइल से अभी लाइट भी जलाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये चीज आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसा वर्क अगर आप करते हैं तो इसके जो पीछे वाला जो आपने जो कटिंग किया है वही ही दिखाई देगा, वही आपको दिखाई देगा, बाहर वाले आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये मोटा बेस बना हुआ है। और जब ये मोटा बेस बना हुआ है तो इसके अंदर से तो लाइट तो पास होगा नहीं, और जब ये पास होगा नहीं तो ये काफी अच्छा ये दिखाएगा। और इसका इस्तेमाल आप वैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी हम आपको आपको बता देते हैं। फ्रेम करते वक्त बैक साइड खुला रखना है, ये साइड में आपको ये है ना, जब भी आप कोई भी पेंटिंग आप बनाते हैं तो उसके साइड में तो आपको गैप तो लेके चलना पड़ेगा, वो तभी वो उसके साथ में आएगा, फ्रेम आएगा ना, तो आपको आधा इंच से थोड़ा सा कम, ठीक है ना, ये साइड में गैप लेके चलना ही पड़ेगा, ओके। तो जब ये लेके चलेंगे तो आसानी से इसको फ्रेम भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे मिरर वाला अगर क्लास लेते हैं तो इसके बैक साइड में और हम क्या कर सकते हैं जो और ये मजबूत हो, वो भी हम आपको बता सकते हैं कि इसके इस बेस को और मजबूत इसको कैसे किया जा सके, क्योंकि ये तो चिकना है ना, हो ना हो 1% मान लीजिए कि आपका ये निकल जाए, फिसल जाए, है ना, 1% की हम बात हम बोल रहे हैं वो, लेकिन इतना ये भी वैसे कमजोर होता नहीं है, ये अच्छा से पकड़े रहता है। तो जो मिरर आर्ट को लेकर है जो भी जानकारियां है हम आपको वो दे सकते हैं, आप हमको ज्वाइन आप कीजिए। एक एक चीज जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है वो बातें हम आपको बताएंगे। सर बुद्धा वाले क्लास कैसे ज्वाइन करें, इसकी रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी है, बाकी अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, अगर मटेरियल आपके पास मौजूद है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लासेज हमारी जो है 15 तारीख से शुरू होने वाली है, तो डोंट वरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फी वही है जो औरों से मैंने लिया है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे जो बुद्धा वाले थे उनको लेकर लोगों का था क्या कि सर फी आपके ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मैंने ये मिरर वाले के लिए मैंने रेट मैंने सस्ता रखा है, ओनली 3000 रुपये। 3000 रुपये में आप मिरर बनाइए अपने घर पे टांगिए, और वो भी नया ड्राइंग जो अब तक इंडिया में ये किसी ने वैसा ड्राइंग नहीं बनाया है, वो हमारा ड्राइंग है, वो हम आपके लिए ही शेयर करेंगे, जो हमसे जो जुड़ेंगे उन्हीं को वो ड्राइंग हम प्रोवाइड करवाएंगे अलग से, ये किन्हीं को नहीं, और वो एक कॉपीराइट है, ठीक है, वो हमारे परमिशन के बिना कोई भी उसका ड्राइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अगर वो करेगा तो वो उसके लिए दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर में, है ना। तो मैंने इसलिए भी करवाया है कि लोग नकल करने वाले बहुत है, ये ऑनलाइन में हमने देखा है, यहाँ पे मार्बल पाउडर नहीं मिल पा रहा है, अगर आप ये चीज वर्क कर रहे हैं तो मार्बल पाउडर की जरूरत नहीं है, आप ये फ्रेंच पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये वर्क कर रहे हैं तो, ओके, आपको फ्रेंच पाउडर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि मैंने ये चीज अब ये थोड़ा सा ये गीला है ना, अभी ये ठीक से कटिंग नहीं हुआ है वो, लेकिन आप इसको अच्छे ढंग से इसको कटिंग आप कर लेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा आर्ट हो जाएगा, और इसमें कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल याद रहे जो उसका सरफेस है वो चिकना होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए,
उस पे ही आपका ये आर्ट वर्क बहुत ही सुंदर ही आएगा। इसमें अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर में अगर आप चाहें तो आप इस पर कोनिंग उनिंग भी कर सकते हैं, अलग से स्टेंसिलिंग वर्क कर सकते हैं, तो ये और निखर के आएगा। ये वो क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर है ना, तो ऊपर में आपको जो करना है वो चीज़ आप इस पर कर सकते हैं। और ये नीचे का है, तो ये आपके लिए एक नया आर्ट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे आर्ट लेकर आते हैं जो एक नया हो आपके लिए, और ऐसे ही आर्ट हम आपके लिए इन फ्यूचर में जो ट्रिक है लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और हमारे जो 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 मिरर वाली जो क्लास है उसका ज्वाइन कीजिए, और आप उसको आप सीख सकते हैं। हम मटेरियल का अलग से लाएगा, मटेरियल उसमें अलग से लाएगा। आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, आपको लिंक अभी इसी वीडियो के साथ में आपको मिल जाएगा, आप उसके द्वारा आप जा सकते हैं और जो भी जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। उसकी जो रजिस्ट्रेशन है आज से ही हमने ओपन कर दिया है, और ये रजिस्ट्रेशन कम से कम 8-10 दिन हम रखे रहेंगे। इसलिए 8-10 दिन क्योंकि हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि आज ही इसका रजिस्ट्रेशन डेट है करवा लीजिए, नहीं, आप आराम से सोच विचार कर लीजिए फिर आप वो लीजिए, है ना। और हमसे वर्क आप सीखिए, आपको इन फ्यूचर में अच्छे अच्छे आर्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे। बस हम उस पर अब हम लग चुके हैं काम करने के लिए। अब हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो अलग है, वो बिल्कुल ही इनोवेटिव है, जो कंप्लीट होने के बाद ही हम प्रेजेंट करेंगे, वो पहले हम आपको बताएंगे नहीं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपके लिए जल्दी ही और नए आर्ट लाने की कोशिश करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया आपको टिप्स आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा, है ना, और उसको आप अपने आर्ट में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और धन्यवाद, बाय, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।